हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति स्पाइसी टिपल। तो आज स्वाति आपके साथ लेके आई है वेजिटेबल लसानिया की रेसिपी। बहुत ज़्यादा बनाना इजी है, बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट होता है, बच्चों को बेहद पसंद आएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट से बनाना से शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ वेजिटेबल, जैसे यहाँ पर मैंने कैप्सिकम, बेल पेपर, ब्रोकली, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 से 3 हरी मिर्ची और यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून मैदा। जी हाँ, मैदा मैं यहाँ ले रही हूँ वाइट सॉस बनाने के लिए। इसे मुझे मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल रोस्ट करना है, यानी बिल्कुल ड्राई रोस्ट मैंने इसे कर लिया था। इसका बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से आपको भूनना है। इससे क्या होगा, इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाएगा। और अब बस इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइएगा और इसे एकदम लम्स फ्री सॉस बनाइएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह से मैं मिक्स करती जाऊँगी जिससे इसके सारे लम्स जो हैं वो डिज़ोल्व होते जाएंगे और वाइट सॉस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनके तैयार हो जाएगी। अभी मुझे दूध कम लग रहा था तो मैं यहाँ पे आधा कप मिल्क और ऐड करूँगी। टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप मिल्क ऐड किया है इस सॉस को बनाने के लिए। ये सॉस आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी जो आपके घर में सभी के मिल जाती है। तो अब ये आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कितना क्रीमी हो गया है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सॉल्ट, आधा चम्मच मैं यहाँ ले रही हूँ चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ही मैं यहाँ ले रही हूँ ऑरेगेनो। आप इसकी जगह मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसे और ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्रीमी सॉस। तो यहाँ पे मैंने ये स्प्रेड लिया है अमूल का, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल 1.5 चम्मच में ये स्प्रेड डाल रही हूँ। ये चीज़ से ही बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसे आप डायरेक्ट सैंडविच पे भी लगा के खा सकते हैं। ये वही नॉर्मल वाला स्प्रेड है। तो बस इसको मेल्ट होने देंगे अच्छे से और ये वाइट सॉस बनके बिल्कुल तैयार है। बट आपको वाइट सॉस का सारा प्रोसेस लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है। इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत बनाइएगा, वरना जो आपका सॉस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल क्रीमी नहीं बनेगा जैसे मेरा बना है। तो चलिए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। यहाँ मैं वाइट सॉस बना के बिल्कुल तैयार करी है। यहाँ पर मैंने लिया है पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस आप सबके घरों में ईजिली मिल जाता है। और अब ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। इससे इसका टेक्सचर भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और जो इसकी थोड़ी थिकनेस है वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों को काफ़ी आपस में मिक्स कर लूँगी। अब चलते हैं इसको आगे प्रोसेस के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच बटर ले रही हूँ। आप इसकी जगह देसी घी या फिर ऑयल भी ले सकते हैं, बट बटर में सब्जियों का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे गार्लिक ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे यहाँ पे हल्का सॉटे करूँगी। गार्लिक का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं करना आपको, बस सॉटे करना है। अब मैं इसमें यहाँ पर सारी सब्जियाँ धीरे धीरे करके ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज ऐड करी है, ब्रोकली, कॉर्न, कैप्सिकम, बेल पेपर, 2 से 3 हरी मिर्ची जो मैंने ली है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं स्पेशली, तो हरी मिर्ची को स्किप कीजिएगा। इसकी जगह आप और भी वेजिटेबल यहाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे मशरूम, गाजर या फिर मटर। अगर आपके बच्चों को जो भी सब्जियाँ पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। पालक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर इसे आपको थोड़ा सा और हेल्दी बनाना है तो। तो सब्जियाँ 3 से 4 मिनट में बस अच्छे से सॉटे हो जाएंगी। इसे हाई फ्लेम पर ही सॉटे करिएगा ताकि जो इसकी क्रंचीनेस है वो बनी रहे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक बेकिंग ट्रे, यानी मैंने यहाँ कांच की ऐसी एक ट्रे ले ली है। आप केक टिन भी ले सकते हैं इसे बेक करने के लिए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ समोसे की पट्टी। ये मेरे पास ऑलरेडी थी, मैं इसको मार्केट से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो आप इसकी जगह वाइट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ये हेल्दी बनता है। अब मैं यहाँ पर ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ वाइट सॉस जो मैंने घर में बना के तैयार किया था। तो पहले रेड सॉस, फिर उसके बाद पट्टी और उसके बाद मैं यहाँ पर वाइट सॉस ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं अब सारी जो वेजिटेबल है वो थोड़ी थोड़ी करके स्प्रेड करूँगी, काफ़ी इजीली है। तो ये 1 से 2 लेयर आप ऐसे बना सकते हैं, 3 लेयर भी बना सकते हैं, 4 लेयर भी बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने लोगों के लिए आप इसको बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसे 2 लोगों के लिए बेक कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे इसे गार्निश ऐसे कर दिया है और ऊपर से मैं गार्निश किया है यहाँ पर मैंने चीज़ से। तो बस इसी तरह से आप देख सकते हैं चीज़ मैंने डाला, ऊपर से फिर से मैं यहाँ पर रेड और वाइट सॉस मिक्स करके ऐड करूँगी। इसकी एक सेकेंड लेयर लगाऊंगी सेम प्रोसेस में। सेम उसके ऊपर अब मैं वाइट सॉस ऐड करूँगी और वाइट सॉस के ऊपर मैं यहाँ पे जो समोसे की पट्टी है उसे असेंबल करने के बाद सब्ज़ी ऐड करूँगी। तो बस इसी तरह के आप 2 या 3 लेयर लगा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है, आप इसे कभी भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। अभी मार्केट में सब्जियाँ आती रहती हैं, तो आप इसे जैसे आप खाने से बोर हो गए हैं नॉर्मल, तो आप इसे कभी भी बना के ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे पट्टियाँ भी बहुत ही अच्छे से असेंबल कर लिया। ऊपर से फिर से मैं रेड और वाइट सॉस लगा रही हूँ। ऊपर से जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स अभी और बची हुई हैं उसको मैं यहाँ पर असेंबल कर दूँगी, स्प्रेड कर दूँगी सारी वेजिटेबल को। इसके ऊपर हम बहुत सारा चीज़ डालेंगे। आप इसमें कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। चीज़ बहुत तरीके के आते हैं, इसमें आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखिए ये जो भी सॉस अब मेरे पास एक्स्ट्रा बची थी उसे भी मैंने यहाँ पे सब ऐड ऑन कर दिया है। ऊपर से मैं काफ़ी सारा इसमें चीज़ स्प्रेड करूँगी। इसमें अगर आप चाहते हैं तो पहले आप इसे बेक भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऊपर से इसे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स से भी गार्निश कर दूँगी। आप इसे बेक करने के बाद भी इसे जैसे पिज़्ज़ा में ऊपर से सीजनिंग डाल के हम खाते हैं, इसे वैसे भी आप खा सकते हैं। बट मैं साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दूँगी, जिससे इसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा लगेगा और ये काफ़ी अच्छे से बेक हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसे बेक करने के प्रोसेस में। तो बेक करने का प्रोसेस बिल्कुल इजी है। आप इसे गैस पे भी बेक कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट्स में अच्छे से बेक हो जाएगा गैस पे भी। और अब यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट कर लिया था। प्री हीट करने के बाद मैं इसे 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ। दोस्तों खाना यहाँ बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। बाय बाय।